वेलकम टू द आशिमा शो। 130 करोड़ भारतीयों के मन में एक ही सवाल कि लॉकडाउन खत्म होगा कि नहीं। लॉकडाउन के चलते 21 दिनों से घरों में कैद लाखों लोग इसी दुविधा में फंसे हैं कि उन्हें 15 तारीख से काम पे जाना है कि नहीं। लॉकडाउन से सरकार कोरोना को तो अभी तक काफी हद तक कंट्रोल रखने में सक्षम हुई है, लेकिन इसका इंडियन इकोनॉमी पर भारी नुकसान पड़ रहा है। लार्ज एंड एसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सारे ठप पड़े हैं। राजीव बजाज समेत कई बिजनेसमैन कंप्लीट लॉकडाउन के समर्थन में तो पहले ही नहीं है। भारत में डेली वेजर्स यानी कि जो लोग जो दिन में कमाते हैं उसी से परिवार को खिलाते हैं, उनकी संख्या भी करोड़ों में है और वो इस लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित है। तो कोई बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके इसका हल निकाल लिया है। पीएम मोदी ने जान है तो जहान है वाले पुराने नारे की जगह नया स्लोगन दिया है, जान भी जहान भी। इसका सीधा मतलब सरकार को लोगों की कोरोना से जान की भी फिक्र है और उनकी रोजी रोटी की भी। तो दोस्तों, अब लॉकडाउन की जगह लॉक इन होगा। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, किन किन शर्तों में ढील होगी, लॉकडाउन से कैसे अलग होगा और कितने दिनों का होगा, बताऊंगी इस वीडियो में। बने रहें वीडियो के एंड तक। और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तो लॉकडाउन एक्सटेंशन को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके पीएम मोदी के लॉकडाउन को एक्सटेंड करने के डिसीजन को सही बताया। इसके बाद कर्नाटक के सीएम बीएस येडियुप्पा, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने भी लॉकडाउन 2.0 को एक्सटेंड करने की जानकारी दी। लेकिन कल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने बताया कि पीएम मोदी के साथ मीटिंग में भारत में लॉक इन इम्प्लीमेंट करने की बात हुई है। जहां लॉकडाउन की स्थिति है वहां प्रधानमंत्री जी ने शब्द प्रयोग किया कि लॉक इन की स्थिति बनानी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि लॉक इन कितने दिनों का होगा। लॉक इन जिसको लॉकडाउन 2.0 या लॉकडाउन पार्ट 2 भी कहा जा रहा है को 16 दिनों यानी कि 1 मई तक एक्सटेंड किया जा रहा है। लॉक इन कैसे इंप्लीमेंट होगा, पूरे देश को 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, रेड जोन, ऑरेंज जोन एंड ग्रीन जोन। कि हमारे लोगों के खासकर का मजदूर है, किसान है, हमारे छोटे उद्योग हैं, ये किस प्रकार से चले, इसके लिए पूरे क्षेत्र को 3 भागों में बांट करके योजना बनाई जाने वाली है। रेड जोन देश के वो इलाके जो कोरोना के हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं, जिन इलाकों में कोरोना के मामले बहुत ज्यादा तादाद में हैं, वहां लॉकडाउन में कोई ढील नहीं होगी। ये इलाके पूरी तरीके से सील होंगे। इन इलाकों में लोगों को पहले की तरह घरों में ही कैद रहना होगा। ऑरेंज जोन ये वो इलाके हैं जहां कोरोना की बहुत ज्यादा मार नहीं है। इनमें उन लोगों को इंक्लूड किया है जो वल्नरेबल कैटेगरी में हैं। इस जोन के इलाकों में सरकार कुछ बिजनेस को करने की आजादी दे सकती है, हालांकि सब जगह सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो करवाया जाएगा। ग्रीन जोन जहां कोरोना का तकरीबन ना के बराबर असर है, इन जगहों पे लोगों को ऑफिस जाने की इजाजत दी जा सकती है। लॉक इन का पूरा सांचा क्या होगा, इस पर पूरी जानकारी पीएम मोदी 1-2 दिन में देश के नाम संबोधन में दे सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार आरोग्य सेतु ऐप की सहायता लेगी। कोरोना के मरीजों को ट्रैक करने के लिए और कोरोना संबंधी बाकी जानकारी के लिए सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया है। जो लोग कोरोना से संदिग्ध नहीं है और लॉक इन में काम धंधा करना चाहते हैं तो ये ऐप उनके लिए ई वॉलेट की तरह काम करेगा। अगर आप लॉक इन में दी गई रिलैक्सेशन के वो बरतना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि WHO समेत बाकी एक्सपर्ट्स का लॉकडाउन के बारे में यही कहना है कि दुनिया की तमाम सरकारों को लॉकडाउन नहीं खोलना चाहिए, इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। अभी अर्थव्यवस्था को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। I know that some countries are already planning the transition out of stay at home restrictions. WHO wants to see restrictions lifted as much as anyone. At the same time, lifting restrictions too quickly could lead to a deadly resurgence. दोस्तों, आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।